मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू नेहा शशि व्लॉग। और आप देख रहे हैं आज का हमारा नया व्लॉग। तो सुबह के 10 बज रहे हैं और सब लोग उठ चुके हैं। तो देखते हैं, हनी तो शायद सो रहा है, भैया छत पे है शायद, अभी मैंने देखा नहीं है, हो सकता है छत पे है। और देखते हैं मम्मी क्या कर रही है। ओ तो मम्मी नाश्ता में लग चुकी है, सब्जी काट रही है। और इधर सीटी पे सीटी दे रहा है, क्या चढ़ा हुआ है। और यहाँ दूध दूध भी उबल गया है, नहीं फट गया, फट गया, खट्टा खट्टा मैंने तो नहीं लग गया। बंद कर दे गैस। और मम्मी अपना नाश्ते की तैयारी में लगी है। क्या बना रही है आज नाश्ता में? आलू गोभी का सब्जी, पूली। ये और इधर कर रहा है। ओ हनी का पोज देखिए एक बार। इसका स्टाइल देखिए सोने का, कैसे ये सो रहा है, ये ऐसे ही सोता है। हनी उठना नहीं है, हनी उठो, तुम्हारा नींद नहीं पूरा हुआ है अभी तक। उठो, क्या हुआ, समझ में नहीं आ रहा है कौन सी दुनिया में हो। हाँ ठीक है, वैसे करने से बॉडी बॉडी नहीं दिख रहा है। आलू निकल गया वहां से। उठो, बहुत देर सो लिया, उठो। ठीक है, हम इस पर से कैमरा डाल लेते हैं, वो अभी नींद में थोड़ा पागल जैसा कर रहा है। पापा कहाँ है? पापा भी बाथरूम में ब्रश कर रहे हैं। आप कुछ बोलना चाहेंगे क्या? आपकी कोई हेल्प नहीं कर रहा है? क्योंकि हम बोलना नहीं चाहेंगे, इस छोटी बेटी जो है ना, बस ऐसे करने घूमते रहती है, करना तो कुछ है नहीं। कर तो रहे हैं, आपका वीडियो बना रहे हैं। तो हनी उठ गया है, ये बहुत ही अच्छी बात है कि वो उठ गया है। ब्रश कर, मुंह बहुत स्मेल कर रहा है। तुम्हारा क्या, गुलाब का खुशबू? तो गुलाब का खुशबू ही आता है मेरे मुंह से। गाइस, मैं बहुत स्मार्ट हो गया हूँ। स्मार्ट हो गया तो अपना रजाई क्यों नहीं फोल्ड करता है? यही तो स्मार्टनेस है। ये नहीं होता कि उठे तो अपना कम से कम रजाई बिस्तर ठीक करके उठे। गधा ऐसा हो गया, लेकिन अभी भी आई एम नॉट गधा। सपोर्टिव आदमी चाहिए कि वो फोल्ड करे। जिंदा रहने के लिए बस एक सनम चाहिए। सांसों की जरूरत है जैसे, सांसों की जरूरत है जैसे, जिंदगी के लिए हाँ एक सनम चाहिए। आशिकी के लिए गंदा कर रखा है, हटना। चलो हटो, ये देखो कैसे किया बिस्तर। गाइस, मैं बहुत ज्यादा जो बात होती है ना कि मतलब आप ऐसे वैसे के बीच नॉन नॉर्मल हो गया। जल्दी जल्दी साफ सफाई कर, करना ही पड़ेगा। इतना नालायक जिसका भाई हो तो उसकी बहन को तो साफ सफाई ना करना पड़ेगा। जिसकी नालायक ऐसी बेटी हो उस माँ को तो दिन भर काम करना ही ना होगा किचन में। इतना नालायक जस्ट शराब आज तक नहीं उठाया यहाँ से। तू तो भैया का ग्रूम है, भैया जानेगा ना। तो तुम उठा, अब ये भैया का ग्रूम है लेकिन हम ठीक कर रहे हैं। नहीं तो यही तो संस्कार तुमको दिए हैं हमने। जिसका नजर पड़े, मेरा नजर नहीं पड़ा था, हम रूम में थे अभी। अरे भाग ना, यहाँ से लात मारेंगे ना, सीधी जाएगी पटना। अरे मार मत थानोस का चप्पल से, चुटकी बजाते हो जाएगी। कहाँ से दे, लाते दो, कहाँ बोल रहा है भैया, आधा नींद में।
लो तुम लाल शर्ट पहन के सुबह से क्या घूम रहा है? जैसे कि अगर इस पे हम कैमरा रखेंगे तो आप बहुत जैसे कि नहीं मिलेगा। क्या भैया? जैसे कि हमेशा रहेगा। हाँ भैया, जैसे कि देख मेरा चलते रहता है, जैसे कि आप देख रहे हैं सरी सिंह बना रहे हैं वीडियो जो कि नहीं बन पा रहा है, और वो ट्राई पे ट्राई कर रहे हैं और वो लगा रहे हैं फिल्टर जैसे कि आप देख रहे हैं वो कि उनपे कौन सा फिल्टर अच्छा लगेगा। नहीं, हम ढूंढ रहे हैं वो एक फिल्टर। कौन सा? ना बर्तन आप देख रहे हैं ना, ये हनी का ड्यूटी है धोने का, इसलिए वो अपने आप को थोड़ा फ्रेश कर रहा है मूड, और वो आएगा थोड़ी देर में और वो ये सारे बर्तन धोकर चमका के रख देगा। हनी, थोड़ी देर बाद तुमको बर्तन धोना है ना? बर्तन जो रखा हुआ है धोएगा ना? ठीक है, वो अभी एक नींद पूरा कर रहा है क्योंकि उसको थोड़ी देर बाद बर्तन धोना है, तो वो धो लेगा, नहीं धोएगा तो चप्पल चप्पल मार भी खाएगा जैसे कि वो कल खाया था। और सनी सिंह मंद ही मंद मुस्कुराते हुए अपना वीडियो बना रहे। ये चाय बनके रेडी हो गया है। और चाय छानते हुए सनी बाबा और ध्यान देते हुए कहीं एक बूंद भी नीचे ना गिर जाए। गिर गया वो, फिर चाट लेना थोड़ा देर बाद। चल निकल। बापरे, धुआं कितना भी फेंक रहा है। अरे तो जानती नहीं है ये बिरयानी चाय। बे यार, बिरयानी चाय होता है दो मेरा। चल ले जा। दे आ, फॉलो मी। अच्छा ठीक है भैया, ठीक है भैया, फॉलो मी। अच्छा ठीक है, लास्ट 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 काट लेंगे दोनों। अच्छा ठीक ठीक। और सनी सिंह अपनी मम्मी के लिए चाय ले जाते हैं। और सनी सिंह जैसे कि हम डर, रोटी है मम्मी, गैया है, रुको आ रहे हैं। हाँ ले। हेलो फ्रेंड्स, तो अब मैं नहा के फ्रेश हो गई हूँ। ये एक ऐसा इंसान है जो मुझे हमेशा बैट के साइड में डीमोटिवेट करते रहता है, लेकिन मैं डीमोटिवेट नहीं होऊंगी क्योंकि मैं हूँ मोटिवेटेड इंसान। तो वो शायद अभी सदमे में है, वो सदमे से बाहर नहीं आ पा रहा है अपने लाल। सनी बाबा को थोड़ा देख लेते, वो क्या करे, लाल शर्ट पहन के इधर से उधर घूम रहे हैं सुबह से, और वो आज 2 साल पे नहाए हैं। और वो ये गन ईख क्यों निकाल रहा है भाई? बहुत दिन का है, ये सूख गया होगा। अरे बाप रे, टूटा नहीं रहा तो पूरा एकदम। क्या ये सब ना टूटेगा तो कल भी टूटेगा। तो ये अपने दांतों का प्रचार करते हुए दिखा, ये अपना बच्ची मेरी बच्ची, ये अपने दांतों का प्रचार करते हुए निकल चुके हैं गलियों में। और ये कोई पब्लिक को बोर कर रहा है, चल निकल। तो अब हम चलते हैं मम्मी के तरफ। मम्मी दिन भर काम करती रहती, मम्मी सबके लिए नाश्ता बना रही है। और मम्मी मदद नहीं की है सुबह से,
सच मदद बता नहीं किए। सच सच बता दो। तो सच बता पर तो कितना मदद करोगे? यस। हम बाहर पोछा लगा। चल, मेरी काम सही कर दो। तो हम भी तो मदद किए ना मम्मी। हाँ। देखा? नाश्ता कर। मम्मी बना रही था मस्त पूरी, हनी पैर डाउन। पूरी बना रही है और आलू गोभी का सब्जी जो चिकन के रेडी हो चुका है। ये देखने में टेस्टी टेस्टी यमी यमी लग रहा है। हनी ड्रोगो को जाके खाना दो। हनी ड्रोगो को जाके खाना दो। जैसे कि मम्मी बोली हनी को चाय बनाने के लिए, और ये चाय नहीं बनाया तो इसको काफी गाली मिला है, तो ये थोड़ा देर सदमे में है। और भैया बोला कि चाय हम बनाएंगे, क्योंकि भैया है मम्मी का अच्छा बेटा और दुलारा बेटा, इससे ये साबित हो चुका है। दुलारा बेटा। और भैया चाय बना रहा है क्योंकि भैया घर में बहुत अच्छा चाय बनाता है, ऐसा सिर्फ भैया बोलता है और कोई नहीं। ये इसी बात पे बोले तो इसको भाई, तुम्हारा शर्ट और किचन का इंटीरियर पूरा मैचिंग हो रहा है। वो बड़े लोग का यही निशान मेरा ही है। मेरा भी ना है। नहीं तो मैचिंग में ही नहीं है। तो मम्मी बोली थी हमको कि तुम्हारा भी वो झांसा दिया गया था तुमको एक तरीके का, ताकि तुम दो चार दिन सही से रहो। बड़े लोग का निशानी होता है कि बड़े लोग जो घर का इंटीरियर होता है उसी हिसाब से कपड़े भी पहनते हैं। तुम पहले जाके ड्रोगो खाना दो, तुम्हारा वही है, जाओ निकलो। लेकिन मम्मी तो बोली है, मम्मी से हमको पूछना पड़ेगा। मम्मी तो बोली थी कि घर मेरा भी है। मम्मी भैया बोला ना कि उसका, भैया बोला कि उसका शर्ट इसलिए मैच कर रहा है कि उसका घर उसका है। तो हम बोले घर तो मेरा भी है, तो बोला नहीं। हम बोले मम्मी तो बोली है, तो बोला वो इसलिए बोली है तुमको झांसा देने के लिए कि ताकि तुम दो चार दिन अच्छे से रहो, ऐसा है। मेरा भी है ना, सबका है। बस हो गया है साबित। मम्मी बोली घर है तुम्हारा भी। वो तो अभी कुछ दिन अच्छे से रहना है तुमको इसीलिए। नहीं मम्मी बोली घर सबका है, खासकर मेरा ज्यादा है। चल ले इधर चाय पत्ती पी लो। इसी बात पे चाय पत्ती पी लो। जाके हनी इंट्रो को खाना दे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि छोटे भाई को मैंने बोला तो बड़े भाई ने बहुत गुस्सा दिखाया है मेरे ऊपर। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, आप देखते रहिए बस, जैसे कि आप देख रहे हैं, देख ही रहे हैं उतना देर से। जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, दिखते रहिए धारावाहिक नेहा शशि व्लॉग्स। और सबको बोलो सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब कर दो। नहीं भैया ये तुम डिसलाइक बटन दिखाया, ऐसा नहीं होता। दो बार सब्सक्राइब पर दबा दो, हो जाएगा। तो इनके दर से हम कैमरा हटा देते हैं। और हनी आ गया ड्रोगो को खाना देकर, ये। और पता है ये क्या करता है, जब ड्रोगो के लिए खाना निकलता है ना तो एक एक दाना खाते हुए जाता है, बोलता है मेरा और ड्रोगो का एक अलग प्यार है। This now or never. बोलता है ये मेरे ड्रोगो का प्यार है। ये लगता है बहुत पीड़ित इंसान है। जैसे कि आप देख रहे हैं सनी। हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग, मैं और भैया रील्स बना रहे हैं छत पे। कुछ आप लोग देखे ही होंगे, हम लोग पोस्ट भी किए थे। तो देखते हैं भैया अपना रील्स बना रहा है या क्या कर रहा है। ये देखिए, चोट लग गया। तो भैया अपना रील्स बना रहा है, मेरा तो रील्स बन गया है, इसका अभी तक नहीं बना है। तो ये बना रहा है और हम लोग छत पे हैं। तो उसका वीडियो अभी तक नहीं हुआ है और वो वीडियोस अपना बना रहा है। हनी नीचे है, मम्मी भी नीचे है और मैं भी ऐसा छत पे हूँ, क्योंकि मैं ही उसका वीडियोस बना रही हूँ। तो मुझे भी उसके साथ छत पे ही अभी रहना पड़ेगा। सो हेलो फ्रेंड्स, आज आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। मैं यहाँ रहते हुए अपने ससुराल के भी कुछ क्लिप्स आप लोगों को दिखाऊंगी इस ब्लॉग में। तो प्लीज आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, एंड तक बने रहिए हमारे साथ। पापा से मजाक नहीं समझा,
पापा से मजाक नहीं करने का, मजाक मजाक में फिर यह है उनका रूम। और अभी सुबह का 7:30 बजा है और ये जनाब सोए हुए हैं। रूम देख लो भाई, फुल हॉस्टल लाइफ चल रहा है। अभी लाइट ऑन किया जाए और भैया को उठाया जाए, पंखा बंद किया जाए। ए नीन मम्मी क्या कर रही हो? मम्मी चावल बन रहा है। चावल बन रहा है? क्या बन रहा है? चावल बन रहा है। और कोई काम धाम नहीं है, खाली चावल बन रहा है। तुम्हारा भी तो कोई काम नहीं है। ससी उधर मीट बना रहा है, तुम वहाँ इधर उधर वीडियो ले रहे हो। हम बस वीडियो ले रहे हैं। घर का छोटा बेटा कोई काम नहीं करता है, घर में कुछ ना डायलॉग भूल गए मैं। बड़ काम करता है छोट कुछ नहीं, बड़ काम करता है छोट बड़ा नाम करता है। कहाँ काम करता है? ये तो मोबाइल ले ले, काम कहाँ करता है? देखिए तो पापा जी आए हैं रात में, जो देखिए ना बक्सर से आए हैं और कमल ओढ़ के सो गए हैं। ए कहाँ गेल हली, कहाँ गेल हली? आप लोग को पता है कि भाभी तो मायके गई है और हम लोग बहुत मिस करते हैं उनको। तो फिलहाल चलो उनके रूम में चलते और देखते हैं उनका रूम का क्या कंडीशन है, ठीक है? अभी का रूम का हाल है भाभी के बिना। देखो हॉस्टल रूम बना हुआ है ये 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 सब सामान इधर उधर पड़ा पड़ा है। अभी बज रहा है 1:30, अब 1:30 बज रहा है, खाना बन रहा है घर पे। खाना बन रहा है तो हम लोग नॉनवेज किचन में ही बनता है। दो इंसान लगा हुआ खाना बनाने में। ये दिख रहा है आप लोग को, दिख रहा है ये दो इंसान खाना बन रहा है एकदम मिला जुला के। खाना बनने के बाद मिलेंगे आप लोग से। हम लोग खाना पीना खा के उसके बाद मम्मी पूरा कैमरा को लेके एकदम ट्रिक मोड में है। यहाँ पे भैया उठ गया है, उठ के मोबाइल देख रहा है, वीडियो देख रहा है। और ये छोटे छोटे घर का बड़ा बड़ा बात। अब मम्मी को कुछ आया है, बड़े 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 परिवार में छोटी छोटी चीजें आती रहती है। तो ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग अपने लैंग्वेज में, इसको क्या बोलते हैं? बैना, बैना बोलते हैं। है। मोटी लेके आई है, मोटी लेके जा रही है। अब दो ही दिया मोटी, मोटी तुम्हारा है भी नहीं। ये आया है प्रसादी है, प्रसादी है, पहन लो। ये हमको पहनना है ये प्रसादी वाला। खाना बन गया है, खाना बन गया है, कुछ देर बाकी है। हमको तो स्मेल आ रहा है, आप लोग का पता नहीं।